हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूं ईशा तारिक और मेरे साथ हैं, और मैं हूं फैसल। बात हो रही है ईशा टूरिस्ट प्लेसेस की। इंडिया कितना खूबसूरत है, बात हो रही है। हमने सिटीज देखे, हमने विलेजेस देखे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इंडिया और पाकिस्तान की सिमिलर हैं। वही नॉर्दर्न एरियाज और खूबसूरती, जैसे यहाँ पे नारायण का गान, ये वो, लेकिन वहाँ कुछ ज्यादा जगह है मुझे। हाँ, और अगर सिटीज की बात करें तो उनकी सिटीज बहुत ज्यादा डेवलप है हमारे से। तो आज जो है ना वो टूरिस्ट प्लेसेस की बात हो रही है। अब उसमें जो है वो ज्यादातर, मुझे जो जहाँ तक गैस लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि ये ज्यादातर जो है ना वो नॉर्दर्न एरियाज टाइप नॉर्दर्न एरियाज, जैसे हमने फैसल एक वीडियो देखी थी हिमाचल प्रदेश में, उनके कुछ विलेजेस देखे थे। कुछ ऐसे विलेजेस हैं जो मतलब बहुत छोटे हैं और पता भी नहीं, और वो इतने खूबसूरत हैं, इतने नेचर ही नेचर, नेचर ही नेचर, पहाड़ और बर्फबारी, और पता नहीं केदारनाथ हमने एक देखी थी वीडियो, वो बहुत खूबसूरत थी। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे कश्मीर की वीडियोस हमने देखी हुई हैं, वो बहुत खूबसूरत जगह। तो ये टॉप 10 में कौन कौन सी आएंगी, ये तो एक क्यूरियोसिटी जो है वो मुझे भी है, आपको भी होगी। हो सकता है हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं उनको पता हो कि कौन सी टॉप 10 है। लेकिन कुछ मुझे लगता है मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, लाइक हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी नहीं पता होगा हमारी टॉप 10 कौन सी है। हमें भी कुछ जो है ना वही जो माइंड में होती है शुरू से, मरीम, इमरान खान, गिलगित, उनजा, स्कर्दू, जो मेन मेन होती है। लेकिन टॉप 10 है, फर्स्ट पे कौन सी आ रही है, लास्ट पे कौन सी आ रही है, मिड में कौन सी फॉल कर रही है, किस टाइप उनको रैंकिंग दी गई है, किस वे से दी गई है। वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा। इनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कर लें, और हमारी ओपिनियन को आपने एंड तक जरूर सुनना है। तो वीडियो को देखते हैं, वीडियो काफी एक्साइटेड होने वाली है, बहुत ज्यादा। वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जिसे पर्यटन की दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। हर साल हमारे देश में दुनिया भर के देशों से करोड़ों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। उन्हें हमारे देश की वादियों के साथ साथ ऐतिहासिक जगहें इतनी ज्यादा पसंद आती हैं कि उनके दिलों में सालों तक इन जगहों की यादें बनी रहती हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्यारे भारत देश के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जिन्हें सैलानी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। दिल्ली। दोस्तों, भारत का दिल और देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के उन शहरों में शुमार है जहां पर इतिहास से जुड़ी कई ऐतिहासिक जगहें हमें देखने के लिए मिलती हैं। इस शहर में कई ऐसे स्मारक मौजूद हैं जो हर साल करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस शहर में लाल किला, कुतुब मीनार, मुगल गार्डन, अग्रसेन की बावली, लोधी गार्डन और लोटस टेंपल जैसे कई स्मारक यहाँ मौजूद हैं, जो पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं। इनके अलावा दिल्ली शहर के बाजार भी यहाँ की काफी शोभा बढ़ाते हैं। जो भी पर्यटक दिल्ली आता है वो यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाता है, और दोस्तों देश की राजधानी होने की वजह से हर पर्यटक यहाँ जरूर आता है। दिल्ली आने के लिए हर तरह के साधन मौजूद हैं। आगरा, उत्तर प्रदेश। दुनिया में जब जब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात चलती है तब तब भारत की शान आगरा का ताजमहल हमें अग्रणी खड़ा हुआ दिखाई देता है। बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाया गया ये स्मारक पर्यटकों को इतना ज्यादा पसंद आता है कि इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। विदेशों में तो ताजमहल को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। जब भी हमारे देश में कोई विदेशी राजनेता आता है तो वो एक बार ताजमहल को देखने जरूर जाता है। दोस्तों, ताजमहल इतना ज्यादा खूबसूरत है कि ये दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है, और यही वजह है कि हर साल इस जगह आने वाले सैलानियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जयपुर, राजस्थान। दोस्तों, पर्यटकों को तो वैसे पूरा राजस्थान ही पसंद है, लेकिन राजस्थान में भी पिंक सिटी जयपुर की कुछ अलग ही बात है। ये शहर पर्यटकों को अपनी ओर इतना आकर्षित करता है कि हर कोई यहाँ खिंचा चला आता है। इस शहर की हवा में कुछ अलग ही जादू है, इसलिए जो भी यहाँ आता है वो इस शहर का दीवाना हो जाता है। शायद इसीलिए इस शहर में घूमने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। दोस्तों, जयपुर के अलावा जयपुर के आसपास में भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जो पर्यटकों को काफी पसंद आती हैं, और शायद इसीलिए जयपुर को भारत के टूरिस्ट हब्स में से एक माना जाता है। कन्याकुमारी, तमिलनाडु। दोस्तों, भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी भी
दुनिया भर के सैलानियों को काफी पसंद आती है। ये सिटी खूबसूरत तो है ही, साथ ही स्वामी विवेकानंद का मेडिटेशन केंद्र होने की वजह से जो भी लोग शांति की खोज में होते हैं वो इस जगह को काफी पसंद करते हैं। यहाँ मौजूद तो विवेकानंद रॉक पर आकर कई लोगों के दिल हल्के हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मौजूद समंदर सभी परेशानियों को अपने अंदर समा लेता है। यहाँ के खूबसूरत सनसेट और सनराइज लोगों को इतना लुभाते हैं कि हर कोई दोबारा फिर से इस जगह पर आना चाहता है। दोस्तों, इस जगह पर भी बाकी पर्यटक स्थलों की तरह ही देश और दुनिया से हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। पर्यटन की दृष्टि से वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग शहर भी सैलानियों को काफी पसंद आता है। नेचुरल ब्यूटी से सराबोर यह शहर इतना ज्यादा खूबसूरत है कि हर साल इस जगह आने वाले पर्यटकों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। ये शहर भारत के उन टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है जो काफी लंबे समय से देश और दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इस शहर में पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ नेचुरल ब्यूटी के इतने सारे खूबसूरत व्यूज हैं जो यहाँ आने वाले लोगों को काफी पसंद आते हैं। दोस्तों, ये शहर अपने आप में इतना ज्यादा खूबसूरत है कि नॉर्थ ईस्ट घूमने आने वाला हर व्यक्ति इस जगह पर जरूर आता है। दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेवल करते रहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐप है ट्रेन मैन, जो कि IRCTC का ऑथराइज्ड पार्टनर है। यहाँ से आप ट्रेन की टिकट बहुत ही आसानी से और सबसे सस्ते दामों में बुक कर सकते हैं। यहाँ किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में सबसे सस्ते दामों में टिकट मिलती है, क्योंकि यहाँ आपको कोई एजेंट कमीशन गेटवे जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते अगर आप हमारा कोड KING200 यूज करते हैं तो। दोस्तों, अगर साइन अप के टाइम पर आप हमारा कोड KING200 यूज करते हैं तो 200 रुपीज आपको आपके ट्रेन मैन वॉलेट में मिल जाएंगे, जो कि आप अपनी ट्रेन टिकट बुकिंग में यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप ट्रिप एश्योरेंस फीचर को सेलेक्ट करके टिकट बुक करते हैं तो चार्ट प्रिपरेशन के बाद अगर आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता तो आपको ट्रेन मैन की तरफ से फ्री फ्लाइट टिकट दी जाएगी। तो अभी अपनी टिकट अश्योर करो, वो भी सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अभी इसे डाउनलोड करें। शिमला, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल शिमला भारत के उन शहरों में शामिल है जिसे दुनिया भर के पर्यटक काफी पसंद करते हैं। ये शहर पहाड़ों की गोद में इस तरह से बैठा हुआ है कि यहाँ आने पर ऐसा लगता है मानो हिमालय हमें स्वयं ही दुलार कर रहा है। दोस्तों, इस शहर को भारत के सबसे पसंदीदा हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों नए नवेले जोड़े अपने प्यार को संवारने के लिए आते हैं। आपको बता दें, यहाँ इस शहर को जाने वाली टॉय ट्रेन लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित करती है। दोस्तों, साल दर साल इस जगह आने वाले सैलानियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे ये शहर हर साल लोगों के दिलों में अपनी जगह को बढ़ा रहा है। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का काशी, जिसे हम बनारस भी कहते हैं, ये भी भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों में शुमार है। इस शहर में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्यटक सिर्फ भारत के ही होते हैं, बल्कि दुनिया भर से लोग इस जगह पर आते हैं। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से यहाँ आने वाले लोगों के हर काम, हर मनोकामनाएं पूरी होती है। अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस शहर में पहले भी हर साल करोड़ों लोग आते थे, पर जब से यहाँ पर काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है तब से इस शहर की शोभा में 4 चांद लग गए हैं। काशी कॉरिडोर बनने की वजह से अब इस शहर में पहले की तुलना में और भी ज्यादा लोग आने लगे हैं। गोवा। दोस्तों, गोवा भारत का ऐसा राज्य है जिसे पार्टी स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये राज्य इतना ज्यादा सुंदर है कि दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता है। सुंदर सुंदर समुद्री बीचेस और बेहतरीन नेचुरल ब्यूटी से सराबोर इस राज्य को सैलानी अपनी ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं। यहाँ आने के लिए वो काफी पहले से ही प्लान करने लगते हैं। इस शहर के काजू भी लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित करते हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तो ये शहर किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ हर साल गोवा कार्निवल्स के साथ साथ हजारों पार्टियां ऑर्गेनाइज होती हैं। इस शहर का खुलापन हर साल करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसमें भारत के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या भी काफी ज्यादा है। लेह लद्दाख। लेह लद्दाख को एडवेंचर के दीवाने और बाइक राइडिंग के शौकीन लोगों के लिए सबसे अहम लोकेशन माना जाता है। इस जगह पर बाइक से हर साल कई राइडर्स आते हैं। इन राइडर्स की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। इनमें से कई राइडर्स तो ऐसे होते हैं जो देश के अलग अलग कोने से अपनी ही बाइक से आते हैं।
हालांकि यहाँ भी लोगों को बाइक रेंट से मिल जाती है, बट अपनी बाइक से आने का मजा ही कुछ और है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए इस जगह का महत्व कुछ अलग ही है। इस जगह की खूबसूरती को देखने के लिए हर साल इस जगह आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कश्मीर, दोस्तों टूरिस्ट प्लेसेस के मामले में कश्मीर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हर कोई जानता है कि जितनी खूबसूरत कश्मीर की वादियां हैं, उतनी दुनिया में कोई और जगह नहीं है। कश्मीर के लिए तो कहा भी जाता है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो बस यही है। एक जमाना तो ऐसा था जब ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज यही बनती थी। यहाँ की हवा में ही मोहब्बत है। जो कोई भी यहाँ आता है वो यहाँ का दीवाना हो जाता है। इसीलिए प्रकृति की गोद में समाए इस शहर की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए हर साल यहाँ आने वाले सैलानियों की तादाद में वृद्धि हो रही है। दोस्तों आप इनमें से कौन कौन सी जगह पर घूम चुके हैं हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय। कितनी प्यारी जगह। सबसे पहले मुझे ताजमहल वैसे ही बहुत पसंद है, और मतलब जहाँ पे भी इंडिया की बात होती है ना, ताजमहल की बात जरूर होती है। और अक्सर अगर पाकिस्तानियों से पूछा जाए ना कि आप इंडिया विजिट करना चाहो तो क्या देखना चाहोगे तो वो कुछ और बताएं ना बताएं। ताजमहल आगरा का जरूर बताएंगे कि हमें ताजमहल जरूर देखना है। ऐसे ही है, मतलब बाकी हर जगह फेमस है, लेकिन एक जो ताजमहल वर्ल्ड है ना, वो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में पूरी दुनिया में ऐसे है कि लोग उसको देखना चाहते हैं, इसलिए उसको सातवां अजूबा भी कहा जाता है। हाँ, ऐसे और अगर बात करें इंडिया की टूरिस्ट प्लेसेस की, तो न्यू दिल्ली की बात हुई, राजस्थान की बात हुई, कश्मीर की, शिमला की, गोवा की, बहुत सारी ऐसी जगह है। अगर अच्छा, इस वीडियो में जो है ना वो सिटी का भी टच दिया गया है, और नॉर्दर्न एरिया जो वैलीज वगैरह है वहाँ का भी टच दिया है, दोनों को मिक्स किया गया। लद्दाख, कश्मीर, शिमला, लद्दाख बहुत खूबसूरत है, कश्मीर बहुत खूबसूरत। सही बात कहा है कि अगर कोई दुनिया में जन्नत है तो वो कश्मीर है। तो अगर बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में अगर जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस है फैसल, हमने टेंपल बहुत विजिट किए हुए हैं, मतलब विजिट यहाँ पे वीडियोस में देखे हैं, विजिट तो बहुत ज्यादा खूबसूरत। और बाकी मुझे ऐसा लगता है एक हिस्ट्री का टच होता है, हिस्टोरिकल चीजें, मतलब वो अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जैसा कि हमें लगता है कि जैसे हमने पाकिस्तान में देखी हुई है, जैसे हमारा पाकिस्तान है, तो हमारा पाकिस्तान जो है ना वो भी बहुत खूबसूरत है, बट थोड़ा बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। रोड्स अच्छे हों, होटल्स का और बाकी चीजों को जो है ना बेहतरी की जाए, अकोमोडेशन वगैरह की बेहतर की जाए, तो पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान में बहुत सारी जो प्लेसेस हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान मतलब एरिया तो एक ही था ना, बीच में बाढ़ आ गई, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो वहां पे भी वैसी हैं यहाँ पे भी वैसी हैं, लेकिन फर्क क्या आ गया कि उन्होंने थोड़ा बहुत जो है ना वो डेवलपमेंट और चीजों को टूरिस्ट के लिए सहूलियात बनाई है, और हमारे हम लोगों ने भी बनाई है, बट अभी और मजीद जो है ना वो डेवलपमेंट की और इंफ्रास्ट्रक्चर। और अच्छा, ये ऐसी जगह है जो पहली बार नहीं हम देख रहे। अब शिमला की बात है, तो शिमला हम बचपन में कुछ कुछ होता देख रहे थे, उसमें शिमला कैंप वो जाती है, तो वो समर कैंप पे जाती है। हम ये चीजें मतलब बचपन से देखते आ रहे, शिमला, गोवा बहुत सुना है, एग्जैक्टली, तो ये चीजें हम सुनते आ रहे, लेकिन मुझे नहीं तो पता टॉप 10 विजिट प्लेसेस है इंडिया की। बात करें तो जैसे उन्होंने दिल्ली की बात की, तो अगर हम सिटीज की तरफ चले जाएं ना, अभी हम वैलीज को बाद में डिस्कस करते हैं, सिर्फ सिटीज की तरफ चले जाएं, तो सिटीज को अगर इधर तो टॉप 10 है, अगर मुझे लगता है टॉप 100 भी निकालें तो बहुत सारी बन जाएगी। जैसे क्योंकि इंडिया काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, इतनी ज्यादा स्टेट्स हैं, तो पता नहीं किस तरह से उन्होंने चुन के मेन में डाली है। इसके अलावा इतनी होंगी जो कि अभी वीडियो में मेंशन है। और फैसल, हमने पर्सनली ऐसी वीडियोस बहुत सी देखी हुई हैं जो बहुत खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर वो मेंशन नहीं है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत। जैसे पाकिस्तान में बात करें तो वो कहते हैं गोरा जब भी आए ना फॉरेनर, अब अच्छा फॉरेनर की बात करें तो फॉरेनर इंडिया में बहुत ज्यादा जाता है, पाकिस्तान में भी आता है, तो वो मीनारे पाकिस्तान जाएंगे, वो मुझे ऐसे लगता है कहेंगे बादशाह, हाँ जो एक्सप्लोर बिल्कुल जो फॉरेनर होते हैं ना वो या तो वैलीज में ज्यादा जाते हैं या हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो मैंने अक्सर देखे हैं यहाँ पे बादशाह मस्जिद हो गई, यहाँ पे ईसाई किला हो गया, मैं हुंजा, नरान, कगान, यहाँ पे स्कर्दू वगैरह गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने जो है ना बड़े फॉरेनर्स देखे हैं। तो पाकिस्तान में भी फॉरेनर्स बहुत आते हैं, बट इंडिया की अगर बात करें ना, तो इंडिया तो बहुत फॉरेनर्स आते हैं, इतने फॉरेनर्स आते हैं, और
देखा इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ता है, जितना फॉरेनर जो है वो किसी कंट्री में विजिट करने आएगा तो वो बाहर वाला डॉलर जो है वो इंडिया में लाएगा या पाकिस्तान में लाएगा। तो इस तरह इंडिया जो है ना अपनी टूरिस्ट प्लेसेस पे बहुत वर्क कर रहा है और पाकिस्तान को भी चाहिए कि बहुत वर्क करे। हाँ, जैसे पोटेंशियल है पाकिस्तान में, बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जिनको बहुत डेवलप, कुमराट जैसे थी, उमजा, ये बहुत काफी बेहतर किया भी गया है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन आईडिया, लेकिन थोड़ी और हो जाएगी तो इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो वाकई टूरिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर्क वही आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इनको भी करना चाहिए। पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है भाई, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इंडिया भी बहुत खूबसूरत है, इंडिया इतना खूबसूरत अब ना बना दिया गया है। हमने एक वीडियो देखी थी कि उसमें बताया गया था कि हमारे लोग थाईलैंड क्यों जाते हैं हनीमून के लिए, इंडिया में क्यों नहीं रहते, तो उन्होंने इस तरीके से उसको डिवेलप कर दिया हुआ है कि लोग हमारे बाहर नहीं जाए, हमारा पैसा मुल्क में ही रहे, अगर कहीं पर भी जाना विजिट के लिए भी तो इंडिया में ही रहे। और ऐसी हर जगह है, मुझे लगता है बीच है वो दिखा, लक्षद्वीप वाला बहुत सारा मैटर आया था, तो वो जो है ना मालदीव और लक्षद्वीप वाला इशू बन गया था, तो लोग जो है ना वो जो वेकेशन होती है वो मालदीव वगैरह चले जाते थे, तो उन्होंने अपना लक्षद्वीप जो है ना उसको डिस्कवर किया। तो मतलब के देखो इंडिया वाले जो है वो एक दिमाग से काम लेते हैं। हाँ, वो अपनी प्लेसेस को ऐसा बना रहे हैं कि लोग अंदर ही पैसा लगाएं, कंट्री के अंदर ही पैसा स्पेंड हो, अगर वही बाहर जाएंगे तो उनको अपना इंडियन करेंसी बाहर दे के डॉलर्स या यूरोस या ये लेने पड़ेंगे। शादियां वगैरह होती हैं तो वो उसमें वीडियो में बताया गया था कि अगर आपको शादी करनी है ऐसे तो आप कश्मीर क्यों नहीं चले जाते, कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह, तो आप मालदीव थाईलैंड क्यों जाना है, आप कश्मीर आओ हनीमून के लिए, थाईलैंड क्यों जाना है, ऐसी जगहों पर जाओ, लक्षद्वीप जाओ, कश्मीर जाओ, लद्दाख जाओ। ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि पहले अपना कंट्री पूरा विजिट करो, पूरा अपना कंट्री विजिट कर लो, फिर ही कहीं बाहर निकलो। एटलीस्ट हमें ये तो बताओ हम जा रह रहे हैं वहाँ क्या क्या है, फिर बाहर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, राजस्थान की बात अच्छा, हर सिटी का ना, हर स्टेट का एक अलग टच है, एक अलग कोई जो है ना वो वादियों की वजह से मशहूर है, कोई अपने जो हिस्टोरिकल प्लेसेस की वजह से मशहूर है, कोई जो है ना वो डेजर्ट की वजह से मशहूर है, और जो जो राजस्थान है वो उसमें बहुत ज्यादा ये डेजर्ट वगैरह होते हैं, कुछ टेंपल्स की वजह से, कुछ जो है सिटीज वो टेंपल्स की वजह से बड़ा मशहूर होते हैं। तो इस तरह जो है ना वो हर सिटी का अपना अपना एक लेवल है, एक अपनी अपनी गेम है, स्पेसिफिक चीज होती है वहां पर। इन सब में से अगर मौका मिले तो कहां जाना चाहोगे? शिमला। अच्छा, शिमला के अलावा? शिमला, गोवा, लद्दाख। लद्दाख मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और वो बाइक राइडर्स के लिहाज से बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे बाइक वो जैसे चला रहे थे, तो वो मुझे चीज अच्छी लगी थी। आप कहाँ जाना चाहेंगे? मैं सारे इंडिया को घूमना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैंने जो है ना वो पाकिस्तान के काफी जो है ना टूरिस्ट प्लेसेस पे मैंने जो है ना विजिट किया हुआ है, तो मुझे अपना पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो बात करनी चाहिए कि मुझे जो है ना वो डेवलपमेंट की थोड़ी थोड़ी कमी नजर आई है, उसको मजीद कर लें ना बात, तो वो फिर और फॉरेनर्स अट्रैक्ट होगा, पाकिस्तानी बहुत अट्रैक्ट होंगे। अदर साइड पे अगर इंडिया की बात करें तो मैं इंडिया के हर सिटी में जाना चाहूँगा, लेकिन मसला ये है कि इंडिया है इतना बड़ा कि बंदा फिर जो है ना वो 10 साल का एक विजिट में पूरा हम इंडिया घूम नहीं सकते हैं। बार बार जाएंगे, एक्सपेक्ट भी अब यहाँ तो फिर हम घूम सकते हैं। तो बहुत सारे वाइल्ड लाइन्स बाय अबरार पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो इंडिया गया था, वो उसने जो है ना एक सीरीज चलाई थी, तो इंडिया का अगर तमिलनाडु की बात की, तमिलनाडु बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हिमाचल प्रदेश, ये वो, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, ओए होए होए यार, मतलब अगर सारा एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो मुझे लगता है जिंदगियां गुजर जाएंगी, सारा नहीं एक्सप्लोर हो सकता। बाकी आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सी ऐसी जगह जो आप लोगों ने विजिट की भी और कौन सी करना चाहते हैं, कौन सी आप रेकमेंड करना चाहते हैं कि नहीं अगर 10 नहीं तो एक ये वाली तो विजिट करो ही करो। और साथ में इन जितनी भी सिटीज या जगह का जिक्र किया गया वो देखने वाले कौन कौन से, किस किस से जो है ना बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके सिटीज या इलाके का जिक्र नहीं किया गया, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनके एरिया में कौन कौन सी टूरिस्ट क्या चीज फेमस है, क्या चीज वहां पर, तो हमें लिंक भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे। तो बहुत सारे लोग तो इन सारी एरिया में देखने वाले होंगे, जो व्यूअर्स ऑडियंस होगी तो वो कहेंगे हाँ हाँ इस एरिया में आप रहते हैं, और कौन कौन से इन एरियाज में गए हुए हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि इंडियन सारा इंडियन देखा हो, जैसे कोई हर पाकिस्तानी सारा पाकिस्तानी देखा होता, तो सारा तो किसी ने नहीं देखा होता, लेकिन जिसने कुछ जो देखा हुआ है वो तो बता सकता है ना कि भाई उसने क्या क्या देखा हुआ है। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।